सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल ब्लॉग। फाइनली 3-4 महीने के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। करंटली बहुत बिजी था, अपने शेड्यूल के कारण कोई ट्रैवल जर्नी कर नहीं पाया। तो फाइनली अभी वक्त आ गया है कि मैं मुंबई से वापस जा रहा हूँ माई होम टाउन। ट्रेन नंबर है 01257, विच इज़ अ स्पेशल ट्रेन विच इज़ रनिंग फ्रॉम LTT टू सावंतवाड़ी। आज है 3rd of September। फाइनली 3 महीने बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और आज मैं वापस मेरे होम टाउन जा रहा हूँ सिंगापुर। बीच में काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी था और तो उसके कारण मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, कहीं पर ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो गाइस, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 01257 स्पेशल ट्रेन विच इज़ रनिंग फ्रॉम LTT टू सावंतवाड़ी। तो ये जो ट्रेन है वो डेली नहीं चलती है, कुछ स्पेशल डेज पे ही चलती है। आज है सैटरडे और इसकी जो टाइमिंग है वो 10:30 को निकलती है फ्रॉम LTT। और मैंने ये ट्रेन थाने स्टेशन में बोर्ड की थी और फिलहाल अभी आया है रोहा रेलवे स्टेशन एंड इट्स ऑलमोस्ट 1:15 और अभी आया है रोहा रेलवे स्टेशन। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, दो स्टेशन आएंगे, मैं आपको दिखाते रहूँगा। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। और बाकी बोला जाए तो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, बारिश गिर रही है, तो जितने भी सीनिक व्यूज़ है दिखाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। थोड़ी सी दिक्कत भी आई है इस ट्रेन में, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। बस अभी रेड सिग्नल लगा है। अगर इस ट्रेन के कोच सिस्टम के बारे में बात करो तो इसमें सिर्फ स्लीपर और जनरल कोच है, बाकी इसमें एसी और बाकी जो भी क्लासेस आते हैं एसी के, फर्स्ट क्लास, थर्ड टायर, टू टायर, वन टायर, टू टायर, थ्री टायर, वो कोई भी क्लासेस अवेलेबल नहीं है। सिर्फ इसमें स्लीपिंग और जनरल बोग ही लगी हुई है और एक लगेज वैन है। तो ये जो ट्रेन है इसके अंदर है, इसके अंदर पैंट्री कार अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपना फूड खुद कैरी करना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे भी पता नहीं थी। और सिंस ये स्पेशल ट्रेन है तो इसके जो कोचेस है वो सेंट्रल रेलवे से नहीं रिलेटेड है, दे कम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। Thank you.
ये है कोकण रेलवे का एक खूबसूरत नज़ारा बारिश के सीज़न में। मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था आपको कि अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो कोकण रेलवे से रेनी सीज़न में ज़रूर ट्रैवल करना, काफ़ी देखने लायक चीज़ है ये। जो सीनिक व्यू है वो आपको सिर्फ ये सीज़न में देखने को मिलेगा। आफ्टरनून और हम पहुंच चुके हैं वीर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे ऑलमोस्ट एक या दो मिनट का ही हॉल्ट होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, जैसे आप देख सकते सो फाइनली गाइस इट्स 4 इन द इवनिंग और आ चुका है खेड़ रेलवे स्टेशन। काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ है आज ट्रेन को, बिकॉज 1 आवर उसने हॉल्ट लिया है। तो ये है खेड़ रेलवे स्टेशन की दूसरी साइड। और लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाया था मैंने उस साइड पे हमारी ट्रेन रुकी थी और ये टाइम पे यहाँ पर रुके। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा क्रॉसिंग के लिए वेस्ट किया है यहाँ पर। तो लास्ट व्लॉग में मैंने जैसा बताया था कि सिंधुदुर्ग रेलवे स्टेशन हो या कणकवली रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ऑलमोस्ट चालू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर भी खेड़ में जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पोल्स लगाए हैं, इलेक्ट्रिकल वायर जो है उसका भी इंस्टॉलेशन करके रखा है। तो होप जो लोग को क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स कब चालू हो गए, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस साल दिसंबर तक ऑलमोस्ट इस काम को पूरा कर दे और मे बी यही साल में या जनवरी में जो है रेलवेज की जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वो आपको कोकण रेलवेज में रन करती हुई दिखाई देगी। फाइनली अभी बजे है शाम के 5 और मैं पहुंच चुका हूँ चिपलुन रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन जो है ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है और काफ़ी बारिश भी अभी यहाँ पे गिर रही है। और एक बार आपको चिपलुन का रेलवे स्टेशन भी दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी बजे है 6:30 इन द इवनिंग और अभी हम जस्ट संगमेश्वर रोड स्टेशन से निकल रहे। इसके बाद जो है कोकण रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन दैट इज रत्नागिरी आएगा और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दूंगा, तो ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा।
तो गाइस अभी बजे है शाम के 7 एंड वी हैव जस्ट रीच रत्नागिरी रेलवे स्टेशन। तो फाइनली अभी हम रत्नागिरी रेलवे स्टेशन छोड़ रहे हैं। अभी बजे है ऑलमोस्ट 7:25 इन द इवनिंग, तो सिर्फ 10 मिनट ही हॉल्ट लिया है इस ट्रेन ने और बस अब ये रत्नागिरी स्टेशन को छोड़ के आगे बढ़ रही है। तो गाइस फाइनली 8:55 बजे है और फाइनली राजापुर रेलवे स्टेशन आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ है ट्रेन को, ऑलमोस्ट एक 15-20 मिनट्स ट्रेन लेट है और फिलहाल अभी रात का समय है इसलिए कुछ दिख रहा नहीं है। तो बस अभी एक मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेन ने हॉल्ट लिया है और बस अब ट्रेन यहाँ से निकल रही है। जो लोग लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि खारेपटन रोड जो रेलवे स्टेशन है उसका कहाँ तक काम हो गया है, तो ऑलमोस्ट देख सकते हो कि ये रेलवे स्टेशन अब ऑलमोस्ट बन चुका है। तो कुछ इस तरह से जो है खारेपटन रोड का रेलवे स्टेशन दिखता है। फिलहाल अभी रात का समय है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है लाइट्स और प्लेटफॉर्म का काम तो हो चुका है। एक साइड का प्लेटफॉर्म बन चुका है और लाइट्स का इंस्टॉलेशन भी किया है और जो प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो काफ़ी नीचे है, तो आपको जो बोगी का नीचे वाला पोर्शन होता है यानी ये लैडर है उसका इस्तेमाल करके उतरना पड़ेगा। तो फाइनली ट्रेन खारेपटन रोड से अब निकल चुकी है और अभी ऑलमोस्ट 9:15 हो चुके हैं। तो ये जाते जाते खारेपटन रोड का एक खूबसूरत नज़ारा। इस ट्रेन का इस स्टेशन पे कोई हॉल्ट नहीं है, तो अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे ट्रेन रुक रही है तो एक्चुअली ट्रेन नहीं रुकी है, ये ट्रेन सिर्फ यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए रुकी थी, इसका कोई यहाँ पर हॉल्ट नहीं है। और हम लोग पहुंच चुके हैं वैभववाड़ी रेलवे स्टेशन पर। काफी ज्यादा रश यहाँ पर उतर चुकी है। फाइनली 10 बज गए हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं कनकौली रेलवे स्टेशन और फिलहाल अभी क्रॉसिंग के लिए ट्रेन रुकी है और बारिश भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है। एक चीज़ आपको बताना चाहता था कि जो लोग इस ट्रेन से या कोंकण रेलवे में अभी ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए या तो आपको डबल वैक्सीन करके यहाँ पर आना पड़ेगा या फिर आपको RT-PCR टेस्ट करके कंपलसरी आना पड़ेगा। इसका चेकिंग किया जा रहा है हर स्टेशन पर, तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखिएगा। अगर आप कोंकण रेलवे से ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप कोंकण में आ रहे हो तो आपके पास डबल वैक्सीन होना चाहिए या फिर आपको RT-PCR टेस्ट करके आना चाहिए। दिस इज़ मैंडेटरी और एवरी वन हु इज़ कमिंग टू कोंकण सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना। बस अभी थोड़ी देर में ये ट्रेन निकल जाएगी और बाय द वे 10:30 तक मेरी ये जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है सिंधुदुर्ग रेलवे स्टेशन पे। तो
वहाँ पे क्या सिचुएशन है, किस तरह से चेकिंग करेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँगा, तो बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फाइनली वी आर लिविंग कनकौली रेलवे स्टेशन, और यहाँ से तो दिख रहा नहीं है लेकिन नीचे शायद लाइन लगी होगी टेस्टिंग करने के लिए। बस अभी कुछ समय में सिंदूर रेलवे स्टेशन आ जाएगा और फिर मैं अपनी जर्नी को यहीं पे एंड करूँगा।